दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि सलमान खान की फिल्म राधे को लेकर सलमान खान ने KRK पर केस कर दिया, मगर मेन मुद्दा ये नहीं बल्कि कुछ और है। और मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कई सारे जानकारी इस केस से जुड़ी और सलमान खान और KRK कमाल आर खान के बारे में। वेल, चलिए बात करते हैं पूरी वीडियो की ओर। तो पहले इस वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हर रिपोर्ट्स पाना चाहते हैं। तो सलमान खान की फिल्म राधे हाल ही में रिलीज हुई थी 13 मई के दिन, और ये फिल्म को लेकर आप लोग सभी रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ तक मेरा भी हक है और KRK का भी हक है और हर एक पब्लिक का हक है जो फिल्म का रिव्यू कर सकते हैं, इसमें कोई दुख की बात नहीं। और आप लोग फिल्म के बारे में जितने चाहे उतने बुरे भी कह सकते हैं अगर आप लोग को फिल्म पसंद नहीं आया तो। चलिए, ये मुद्दा है, मगर राधे फिल्म को लेकर KRK पर केस नहीं किया गया। बिल्कुल, आप लोग को बता दूं कि सलमान खान को उस राधे फिल्म के रिव्यू के दौरान सलमान खान पर ज़्यादा फोकस किया गया। आप लोग जाके KRK के ऑफिशियल चैनल पर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, सलमान खान के जितने भी वीडियो हैं फिल्म को लेकर, उनके रिव्यू के लेकर, सिर्फ सलमान खान और उनके फैमिली पर ही सिर्फ फोकस किया गया है। जो सलमान खान घटिए हैं, सलमान खान फ्रॉड हैं, बहुत सारी चीज़ पर फोकस किया गया है। इस केस की पूरी मुद्दे आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। पहली बात करते हैं, KRK ने हाल ही में कई सारे वीडियो राधे फिल्म से जुड़ी और सलमान खान से जुड़ी कई सारे वीडियो अपने चैनल पर डालते ही रहते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो आया है कि सलमान खान को लेकर केस के लोकर, जो आप लोग बिल्कुल जानते हैं और देख भी लिए होंगे, नहीं भी देखे हैं तो आप लोग जाके देखे कि इस पर सलमान खान के और उनके फैमिली पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। आपको बता दूँ कि कोई भी स्टार की फिल्म आती है तो उस फिल्म के बारे में आप लोग सिर्फ गलत बोल सकते हैं, बल्कि उस स्टार के पर्सनल लाइफ में आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल जानते हैं। इसीलिए सलमान खान की फिल्म राधे पर आप लोग उंगली उठा सकते हैं, उन सलमान खान के पर्सनल लाइफ पर आप लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं, ये आपका भी हक नहीं है। और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मैं आपके बारे में गलत बोलूं तो आपको कैसा लगेगा, ये आप लोग अनुभव कर सकते हैं। तो जहां तक KRK जब सलमान खान के बारे में गलत बोलेंगे तो सलमान खान को कैसा लगेगा, ये आप लोग सोच सकते हैं। वेल, ये भी बात छोड़ देते हैं, मगर सलमान खान ने तो आखिरकार सलमान खान को गलत कहा भी, उनके फैमिली के बारे में भी गलत बोला, और साथ में बीन ह्यूमन। बिल्कुल, आप लोग जानते हैं कि बीन ह्यूमन की वजह से कितने सारे लोगों की मदद हो पाती है। आप भी जानते हैं देश में जिस तरह की कोरोना के कंडीशन है, जिसमें बीन ह्यूमन की तरफ से, सलमान भाईजान की तरफ से ऑक्सीजन प्रोवाइड किए गए, लोगों को जहां तक मदद की गई लाखों लाखों रुपए की, जहां तक जिस चीज की जरूरत पड़ी उस चीज की जहां तक मदद की गई। और आप लोग बिल्कुल जानते हैं इसके बारे में, बीन ह्यूमन के बारे में, सलमान खान के बारे में। जहां तक बीन ह्यूमन के बारे में, KRK ने उस रिव्यू के दौरान भी जहां तक उसको फ्रॉड बताया, बिल्कुल सलमान खान को लेकर भी फ्रॉड बताया, और बीन ह्यूमन के वजह, बीन ह्यूमन है जिससे लोगों की मदद हो पाती है, उसको भी फ्रॉड बताया। आप एक ही चीज़ बताइए, आप लोग से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर आप किसी भी फिल्म को लेकर रिव्यू करते हैं तो आप लोग फिल्म के रिव्यू को छोड़कर उस स्टार के पीछे पड़ जाते हैं, उस स्टार के फैमिली को गलत बोलना शुरू कर देते हैं, उस स्टार को गलत बोलना शुरू कर देते हैं, उनसे जुड़ी जितने भी काम ताम, जितने भी चीज़ हैं उसको गलत बोलना शुरू कर देते हैं, उसको फ्रॉड बताना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग बताइए, इस वजह से आखिरकार सलमान खान के, जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की तरफ से KRK पर जहाँ तक मानहानि का केस कर दिया गया है। बिल्कुल, आप लोग को बता दूँ सलमान खान की तरफ से मानहानि का केस इसीलिए किया गया है कि अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आई तो आप लोग फिल्म के बारे में गलत बोल सकते हो, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में गलत नहीं बोल सकते हो, ये बात आप लोग भी जानते हो। इस वजह से KRK पर उंगली उठाई गई और KRK पर केस किया गया है। मैं आप लोग यही बात पूछना चाहता हूँ कि ये सही है या गलत है, आप लोग इस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अगर आप सलमान खान को सपोर्ट करते हैं इस बात से तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं अगर आप लोग KRK को सपोर्ट करते हैं तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर मैं आप लोग यही कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी पर्सनल लाइफ में आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी भी स्टार का फिल्म है तो उसको रिव्यू करें, गलत बोले जो भी है वो ठीक है, अलग बात है, मगर किसी भी स्टार को जहाँ तक पर्सनल लाइफ में एंट्री आप लोग नहीं ले सकते हैं। वेल, इस पर आप लोग का क्या रिएक्शन होगा, और इस बात को लेकर लोगों में भी काफ़ी गुस्से की माहौल देखने को मिली है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है KRK को लेकर भी। वेल, आप लोग इस पर अपना रिएक्शन ज़रूर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में।